शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सोलन में अखिल विश्व गायत्री परिवार के तत्वावधान में आयोजित भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के विजेताओं को सम्मानित किया। इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार एवं युवा पीढ़ी को नैतिक मूल्यों एवं संस्कारों की जानकारी प्रदान करना है। शिक्षा मंत्री ने राज्य स्तर पर प्रतियोगिता में महाविद्यालय स्तर पर आयोजित परीक्षा में चंबा के कमल किशोर को प्रथम, बिलासपुर की पूजा शर्मा को द्वितीय तथा चंबा के पुष्पराज तृतीय स्थान पर रहे उन्हें सम्मानित किया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने सरकारी स्कूलों के प्राइमरी स्कूलों में घटती संख्या पर चिंता जाहिर की और कहा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और स्थिति में जल्द ही सुधार किया जाएगा। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने छात्र छात्राओं को पुरस्कार वितरित करने के उपरांत प्राइमरी स्कूलों में घटती संख्या पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि वे सरकारी स्कूलों को जल्द निजी स्कूलों की तरह बनाने का प्रयास कर रहे हैं और साथ ही स्कूलों में कम होती संख्या का क्या कारण है ये जानने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्कूलों में सभी सुविधाएं दी जा रही हैं, एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है और जल्द ही प्रदेश के 3000 स्कूलों में नर्सरी की कक्षाएं आरंभ की जाएंगी। दूसरे जो स्कूल खुल रहे हैं, मशरूम ग्रोथ हो रही है प्राइवेट स्कूलों की, उनके मुकाबले पर हम अच्छा जो है वो माहौल देंगे। हमारे स्कूलों में अच्छे अध्यापक हैं जो कंपटीशन के आधार पर जो है वो अपॉइंट होते हैं, सिलेक्शन के आधार पर अपॉइंट होते हैं, वेल क्वालिफाइड हैं। हम बच्चे को वर्दी भी देते हैं फ्री में, हम बच्चे को मिड डे मील भी देते हैं, हम बच्चे को जो है वो मुफ्त में किताबें भी देते हैं और वही किताबें वही सिलेबस पढ़ाया जाता है सरकारी स्कूलों में जो सीबीएसई में पढ़ाया जाता है, एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ाई जाती है। तो उसके बावजूद भी हमने एससीईआरटी सोलन को इस बार पहली बार जो है वो एक काम दिया कि वो सर्वे करे कि एनरोलमेंट क्यों कम हो रही है। उसमें एक जो हमारे पास जो है उभर करके आया कि प्राइवेट स्कूलों में इसलिए होता है कि वो 3 वर्ष के बच्चे को दाखिल कर लेते हैं, इसलिए हमने जो है वो इस बार हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मीटिंग हुई है उसमें प्री प्राइमरी जो हमारी क्लासेस हैं, नर्सरी जिसको हम कह सकते हैं, उसके लिए 3000 स्कूल्स में जो है वो हमारी अप्रूव हुई है। उसके लिए टीचर्स की आजकल ट्रेनिंग हम कर रहे हैं